पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। पटना में मॉब लिंचिंग, भैंस चोरी के आरोप में लोगों ने पीट पीट कर युवक को मार डाला। पटना में फुलवारी शरीफ थाना इलाके में मॉब लिंचिंग का वारदात सामने आया है। भैंस चोरी के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर एक युवक को मार डाला है। भीड़ ने जिस शख्स को पीट पीट कर मार डाला वह वैशाली जिले के देसरी थाना इलाके का रहने वाला है। पटना में मिले कोरोना के 262 नए मरीज। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5,603। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के अनुसार राज्य में 588 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के सबसे अधिक संख्या पटना जिले से आ रही है जहां 262 नए मरीज मिले। एक ऐसी हैवानियत जो संपत्ति के विवाद को लेकर बच्चे की बलि चढ़ाई जाती है। संपत्ति के विवाद में साल भर की मासूम को शौचालय की टंकी में फेंक दिया गया। औरंगाबाद में दो परिवार के बीच चल रहे संपत्ति विवाद का खामियाजा एक साल के मासूम बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हत्या के लिए ऐसे तरीके का प्रयोग किया गया जिसे सुनकर भी किसी का भी दिल पसीज जाए। मासूम को मारने के लिए शौचालय की टंकी में फेंक दिया जाता है। फिलहाल पुलिस ने मासूम का शव बरामद कर लिया है। मृतक बच्चे की पहचान चंद निवासी हरिओम सोनी के बेटे के रूप में की। एक्शन में जीतन राम मांझी, कहा बिहार के गरीब छात्रों को हो रहा नुकसान, जल्द खोले जाए सरकारी स्कूल। लॉकडाउन के कारण 8 माह से बंद स्कूलों को खोलने की मांग तेज हो गई है। स्कूल संगठनों की मांग को अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार जीतन राम मांझी का भी साथ मिल गया है। हम पार्टी के प्रमुख ने नीतीश कुमार से मांग की है कि जनहित में बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाए। पटना के हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने क्या पर्दाफाश, लूट की गाड़ी सहित तीन को किया गिरफ्तार। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतवा थाना की पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए हाईवे पर फोर व्हीलर गाड़ियों को लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग इलाके के तीन कुख्यात लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार को फिर से शराब में डुबोना चाहती है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा विपक्ष दल बिहार को शराब में डुबो कर यहाँ की सुख शांति छीनना चाहती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को शराबबंदी के बाद बिहार में हुए सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिख रहे। यहाँ दिखने वाली खुशहाली उन्हें रास नहीं आ रही, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर उन्होंने शराबबंदी की समीक्षा को बंद करने को कहा। विधायक के बेटे की गोली मारकर हत्या, पोस्टमार्टम हाउस के पास से मिला शव। छपड़ा में पूर्व विधायक के बेटे की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना भगवानपुर बाजार की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शव को अपराधियों ने भगवानपुर बाजार के पास स्थित पोस्टमार्टम हाउस के पास रख दिया है। शव मिलने के बाद भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। बिहार में घर बनाने को लेकर जमीन देगी सरकार, बालिग युवाओं को भी अलग से प्लॉट देने की तैयारी। ऑपरेशन बसेरा के तहत बिहार सरकार भूमिहीनों यानी कि गृहविहीन रैयतों को भी घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन फ्री में मुहैया कराएगी। सरकार रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अब तक 70% भूमिहीनों को जमीन दे गई है सरकार। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मुताबिक 68,809 परिवारों को 5 डिसमिल रहने योग्य। पटना में क्राइम अनकंट्रोल, पूर्व पार्षद के पति को अपराधियों ने गोली मारी। पटना में बेखौफ होकर अपराधी तांडव कर रहे हैं। पूर्व पार्षद के पति की गोली मारकर हत्या कर अपराधी खुलेआम घूमते। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।